भारत नेपाल सीमा से एक पाकिस्तानी महिला पकड़ी गई है। रक्सौल के पास ये गिरफ्तारी हुई है। महिला के साथ एक बच्चा भी है। एसएसबी 41वीं बटालियन ने उस महिला को गिरफ्तार किया है और तलाशी के दौरान पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अवैध तरीके से सीमा पार कर रही थी ये महिला। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, मकसद क्या था उसका भारत में प्रवेश करने का। भारत नेपाल सीमा पर यह गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार की गई है और महिला के साथ एक बच्चा भी मौजूद है। एसएसबी 41वीं बटालियन ने उसे गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अवैध तरीके से सीमा पार करने की कोशिश कर रही थी ये महिला। नेपाल सीमा से पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार की गई है। इस महिला के साथ एक बच्चा भी मौजूद है। एसएसबी 41वीं बटालियन ने इस महिला को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान इसके पास से पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि अवैध तरीके से ये सीमा पार कर रही थी, उसी दौरान एसएसबी के जवानों ने इसे बरामद किया है। हाल ही में आपने देखा होगा सीमा हैदर की कहानी काफ़ी सुर्खियों में रही और वो भी अपने बच्चों के साथ। उसका कहना है कि नेपाल के रास्ते उसने भारत में प्रवेश किया है। हालांकि उसकी अभी जांच चल रही है, कई मामले चल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और महिला बच्चे के साथ सीमा पार करती हुई गिरफ्तार की गई है और जो दस्तावेज उसके पास से मिले हैं वो पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। फिलहाल इस महिला से पूछताछ की जा रही है। पटना से हमारे सहयोगी रंजीत सम्राट जुड़े हुए हैं। रंजीत, एक बार फिर एक महिला की गिरफ्तारी और वो भी बच्चों के साथ, दस्तावेजों से पाकिस्तानी होने की पुष्टि हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या उसने बताया है? आसिया, मैं बता दूं कि भारत नेपाल सीमा से पाकिस्तानी महिला के बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया है। नेपाल से भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर रही थी, उसी दरमियान एसएसबी 41वीं बटालियन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के 41वीं बटालियन पानी टंकी बीओपी के पास सुरक्षा कर्मियों ने दैनिक जांच के दौरान नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश कर रही एक महिला जो पाकिस्तानी नागरिक है, जिनका नाम साइस्ता है और उनके बेटे का नाम आर्यन है, जो पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रही थी, लेकिन भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के 41वीं बटालियन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अभी फिलहाल उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जी, कुछ उसने बताया है यहाँ किसी से मिलने आई थी, क्या वजह थी, क्यों वो प्रवेश कर रही थी? दरअसल इस संदर्भ में बता दूं आसिया की इसमें कोई वैध पहचान पत्र दिखाने में वो बिल्कुल असमर्थ दिख रही है। इस संदर्भ में पुलिस पूछताछ कर रही है, तलाशी ले रही है और सबसे बड़ी बात है कि महिला के पास पाकिस्तानी नागरिकता बरामद हुआ है। एसएसबी सुरक्षाकर्मी उक्त दोनों पाकिस्तानी नागरिक से फिलहाल पूछताछ कर रही है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। रंजीत, क्या इस महिला ने ये कबूल किया है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है? हाँ बिल्कुल आसिया, वो कबूल की है। पाकिस्तान से वो भारत किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ आ रही थी और इसी दरमियान उसके पास कोई वीजा नहीं था और इसीलिए उन्होंने नेपाल के रास्ते से भारत प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जी चलिए, शुक्रिया रंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेपाल के रास्ते भारत प्रवेश करने की कोशिश करती हुई महिला अपने बच्चे के साथ गिरफ्तार की गई है। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वीज़ा नहीं है कि वो भारत प्रवेश करे, इसलिए उसने नेपाल का रास्ता चुना है। उसने कबूल किया है कि वो पाकिस्तानी है और वो भारत में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलना जाना चाह रही थी, इसी वजह से नेपाल का रास्ता उसने चुना और नेपाल के रास्ते वो भारत प्रवेश कर रही थी। हालाँकि उसे कई और बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। हर्ष रिजेंसी
फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।